कहानी ये है कि ये खातून अगर आपके इलम में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली है इधर जाने के लिए गुजरा वाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड, जहाँ पे आप आती है और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि शायद पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। एक दूसरी चीज रहेगा, आपका एक बयान चल रहा है कि खातून के मुताबिक कहा गया कि वो रात को क्यों आई, और अल्लाह ताला आप सब मीडिया वालों से पूछेगा, मेरा यकीन है, क्यों मैं सीधी बात करने वाला अफसर हूँ। मैंने कहा यार, क्या हम अपनी बहन को, माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी एमरजेंसी से, हम उसे कहते बेटा जीटी रोड से, ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्दे इल्जाम ठहराना नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। अच्छा सर, ये मुहितम जो है खातून, ये फ्रांस की नेशनल थी और ये मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाना चाहती थी, तो इस पे क्या है? सर उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है, उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। मैं भी उसी तरह हमारा मुआशरा है, और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ ला से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रेट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं होता। सही के लिए ये कड़ा इम्तिहान है, इंशाल्लाह हो जाएगी। हम, मैं पूरे दावे से कहता हूँ, दावा करके कहता हूँ कि हम इस पे काम।